सभापति महोदय, आपने बजट 2022-23 पर बोलने का मुझे मौका दिया। आज इस बजट पर बोलने से पहले मैं उन शहीद किसानों को याद करना चाहूँगा जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन के बाद अगर इस देश में सबसे बड़ा कोई आंदोलन हुआ हो तो वो एक किसान आंदोलन था। और भारतीय जनता पार्टी की इस केंद्र की सरकार ने जिस तरह से दुर्भावनावश और जिस तरह से किसानों को खालिस्तान, आतंकवादी और जिस तरह की अनेक तरह की परिभाषाएं उनको दी गई, जो किसान साथी हमारे शहीद हुए उनको याद करते हुए इस बजट पे आना चाहूँगा। 2022-23 का ये बजट इस राजस्थान को नए आयाम और विकास के पथ पर अग्रसर करने वाला है। इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, हर 36 कौम को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी बात रखी, उन्होंने मुख्य तौर पर सभी बातों को अपनी ओर से रखा। मैं मेरी ओर से संक्षिप्त में जो मुख्य बातें इस बजट को लेकर जो आज आम आदमी चर्चा कर रहा है पूरे राजस्थान में, हर गांव हर चौपाल पर जिसकी चर्चा है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जिन किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिनको कुचलने का काम किया, उन किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी अलग से बजट लेकर आई है। सभापति महोदय, इस बजट में कांग्रेस पार्टी ने यह ध्यान रखा कि किस तरह से हम किसान को मजबूत कर सकते हैं। अलग से बजट की घोषणा हुई किस तरह से किसान समृद्ध हो, किस तरीके से जो आर्थिक स्थिति किसानों की बढ़ सके उसको लेकर इस बजट में ध्यान रखा गया। किसानों के लिए इस बजट में चाहे सोलर पर सब्सिडी हो, चाहे जैविक खेती को बढ़ावा देना हो, और चाहे जो कृषि कनेक्शन 2012 से बंद पड़े थे उन कृषि कनेक्शनों को वापस शुरू करने का काम कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री जी ने शुरू करवाया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभापति महोदय कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए जो दो मुख्य तौर पर सबसे बड़ी घोषणा इस बजट में हुई कि कृषि को लेकर अलग से बजट, और जो 2004 से लेकर सरकारी कर्मचारी थे उनको लेकर जो पुरानी पेंशन योजना थी उसको बहाल किया गया। सभापति महोदय, आज हर गांव हर चौपाल पर हर कस्बे में इस बात की चर्चा है कि 3 लाख से ज्यादा वो सरकारी कर्मचारी जिनको नई पेंशन योजना की वजह से दिक्कत थी, पूरे राजस्थान में आंदोलन हुए और पूरे देश में आज इस बात की चर्चा है कि राजस्थान पहला राज्य है जिसमें पुरानी पेंशन योजना शुरू की गई। सभापति महोदय, युवाओं को लेकर इस बजट में 1 लाख नए रोजगार की घोषणा की गई, और साथ ही जिस रीट परीक्षा भर्ती को लेकर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा हल्ला मचा रही है उसमें 32,000 से बढ़ाकर 62,000 पद मुख्यमंत्री जी ने यहाँ किए हैं। सभापति महोदय, इस बजट में युवाओं को, चूंकि यूनिवर्सिटीज की राजनीति से खेलकर यहाँ पहुँचे और जो छात्र कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो दिल्ली और जयपुर में आकर रहते हैं, उनकी परेशानी को हम भलीभांति समझते हैं। इस बजट में पहली बार 300 करोड़ की लागत से 500 से ज़्यादा युवा जो दिल्ली में जिनका किराया भारी है उन युवाओं को रहने के लिए एक नए हॉस्टल की घोषणा की गई। सभापति महोदय, चाहे स्वास्थ्य सेक्टर की मैं बात करूंगा, उसमें चिरंजीवी जो योजना मुख्यमंत्री जी ने शुरू की उसमें उसका दायरा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक का मुफ्त इलाज की घोषणा इस बजट में हुई है। सभापति महोदय, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे खेल जगत हो, चाहे युवा हो और चाहे किसान हो, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी, जो कल वसुंधरा जी बोली कि ये चुनावी बजट उन्होंने बताया, हर आम वर्ग और हर जगह से इनके पास ये रिपोर्ट आई कि जिस तरह का बजट कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री लेकर आए हैं उस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का माहौल राजस्थान में बनाना चाहती थी वो पूरी तरह से ये फेल हो चुके हैं।
आज सभापति महोदय पार्टी जिनका नया नारा आज पूरे देश में बन चुका है कि हम राम रहीम को लाए हैं, हम आसाराम को भी लाएंगे, कि एक बलात्कारी को जेड श्रेणी की सुरक्षा किस तरह से दी गई, किस तरह से जेल के निकालकर अपने चुनावों में वोटों के फायदे के लिए इन्होंने निकालकर आज जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इनका नया नारा सभापति महोदय कि राम रहीम को लाए हैं, मासा राम को भी लाएंगे, बलात्कारियों की मदद करने वाली ये पार्टी है। बैठिए महोदय, मैं मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। सहयोग करें प्लीज, समय कम है, प्लीज सहयोग करें। बिराजी अब आप प्लीज सेव करें। बिराजी अंकित नहीं हो रहा है महोदय, ये कह दे कि राम रहीम की सदस्य नहीं कराई, मान्य सदस्य उन्होंने नहीं दी। मान्य सदस्य आप इनवाइट मत करिए उनको, आप अपनी बात कहें। बिराजी आप बहुत वरिष्ठ हैं, मान्य सदस्य क्यों समय खराब कर रहे हैं? मैं वक्ता हूँ, नाम काट दूंगा, मैं सही बता देता हूँ आपको। 7 बजते ही जो है आउट ऑफ ऑर्डर होगा, फिर जो नहीं बोल पाएगा वो नहीं बोल पाएगा। आप बिराजी इतने वरिष्ठ हो गए, आप क्या स्वभाव हो गया आपका, कोई भी सीख लगती नहीं आपको। बिराजी माफी आपको मांगनी चाहिए पूरे सदन से, क्या आप पूरे हाउस को जो है चेक कर रहे हो? मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगा आपको। सभापति महोदय, माने सदस्य सीधे सीधे अपनी बात पे आइए, इनवाइट मत करिए आप उनको। आप बिल्कुल सीधी सीधी कह रहा हूँ, इन्होंने अगर राम रहीम की जमानत नहीं कराई हो और जेड सिक्योरिटी नहीं तो कैसे मदन दिलावर जी? आप दोनों बैठे हुए हैं, माने सदस्य महोदय, मैं सही साथ जो हाउस अटेंड करूंगा, जो नहीं बोल पाएगा वो नहीं बोल पाएगा। आप बताइए, आप अपने लोगों को आप अपनी बात जारी रखें, आप अपनी बात। सभापति महोदय, मैं मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने इतने लंबे समय तक राज करते हुए कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आज ये कह रहे कि पंजाब इनके हाथ से गया, अगर पूरा हिंदुस्तान भी हाथ से जाएगा तो कभी किसी बलात्कारी की मदद कांग्रेस पार्टी ने नहीं की, किसी को जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं दी कांग्रेस पार्टी ने। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि लाडनू में DYSP ऑफिस, जिसके लिए हर छोटे से छोटे मुकदमे के लिए लाडनू से बाहर जनता को जाना पड़ता था, लोगों को जाना पड़ता था, DYSP ऑफिस की घोषणा हुई। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बालिका छात्रावास पहले से घोषित था और बालक छात्रावास की यहाँ घोषणा हुई, साथ ही ACJM कोर्ट की घोषणा हुई। और आज इस बजट पर बोलते हुए मैं मेरी ओर से राजस्व मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि लाडनू से दूर एक मीठड़ी कस्बा है जिसमें लोगों को छोटे से छोटे काम के लिए लाडनू आना पड़ता है, उसके लिए मैंने उपतहसील की मांग की है। तो मैं समझता हूँ कि जब मुख्यमंत्री जी अंत में अपनी बात को दोबारा रखेंगे, उस समय मीठड़ी को उपतहसील के तौर पर एक घोषणा करके लाडनू वासियों को एक नई सौगात के तौर पर, एक सुविधा के तौर पर देंगे। सभापति महोदय, मैं मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा इस बजट पर कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, हर समुदाय को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को फ्री इंटरनेट, युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए अलग से बजट, तो ये एक तरह से इस राजस्थान को प्रगति के पथ पर, विकास के पथ पर ले जाने वाला बजट घोषित होगा। आपका बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।